हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। मतलब हमने लेंस की फोकस दूरी पढ़ ली है, कितना होता है लेंस की फोकस दूरी, 1/f = 1/b - 1/u। हमने लेंस की फोकस दूरी पढ़ ली, अब हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, यानी दो या दो से अधिक लेंस को जोड़ने जा रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर हमने दो लेंस लिया है L1 और L2, ये दो लेंस हैं। इन दोनों लेंस की जो फोकस दूरी है, इसकी फोकस दूरी मैंने मान लिया F1 है और इसकी फोकस दूरी मैंने मान लिया F2 है। ये दो लेंस है, ध्यान दो, दोनों लेंस को हमने कॉन्टेक्ट करके मतलब संयुक्त रूप से टच करके हमने वायु में रख दिया है, ठीक है। ये दो लेंस, हाँ उसको भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर दो उत्तल लेंस लिया है, अभी देखना उसको भी बताना है। दोनों सबके लिए फार्मूला एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, हमने दो लेंस लिया है L1 और L2, इन दोनों लेंस की फोकस दूरी F1 / F2। हमने इस लेंस से u दूरी पर, क्या बेटा, इस लेंस से u दूरी पर एक खूबसूरत वस्त्र रख दिया है और वो वस्त्र बिंदु ऊपर स्थित है। अब ध्यान दो, इधर से लाइट आप ड्रॉ करोगे, ऐसे लाइट ऐसे जाएगी, फिर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और टेस्ट करा दो एकदम, यहाँ जान दो, थोड़ा और हमने इसको टच करा दिया, ये देखो दोनों लेंस को टच कर दिया है। अब ये लाइट ऐसे जाएगी, ये तो अगर ये लेंस नहीं होता, उस दिल के समझो कि ये वाला लेंस नहीं है, बगल वाला लेंस, अगर ये वाला लेंस नहीं होता तो ये लाइट कैसे जाती है, ऐसे यहां पर मिलती, यहां से मैंने एक लाइट रेज को गुजारा तो प्रतिबिंब कहां पर बनता, आई डैश पर। अगर ये लेंस नहीं होता, ये वाला पहला लेंस, ध्यान तो दो लेंस है, दोनों को मैंने जोड़ दिया, ध्यान देना है दोनों लेंस बहुत पतले हैं, क्या है बेटा, तो अगर ये वाला लेंस नहीं होता तो ये लाइट ऐसे निकली थी, ऐसे चली जाती, प्रतिबिंब यहां पर बनता और यहां से जो दूरी होती उसकी वो होती बी डैश। लेकिन अब ध्यान दो, आप यहां पर हमने एक लेंस लगा दिया है तो ये लेंस यहां से जब प्रकाश को आएगा, जैसे ही होगा तो ये प्रकाश को मोड़ देगा, क्या कर देगा बेटा, मोड़ देगा यहां से, ये ध्यान दो, प्रकाश को इसने क्या कर दिया, मोड़ दिया और ये प्रकाश को यहां पर लाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अभिसारी लेंस होते हैं प्रकाश को मोड़ दे, अगर ये लेंस नहीं होता तो प्रकाश यहाँ जाता, तो रियल प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है बेटा, आई पर बनना है और ये दूरी हमारी बी है। ये बात समझ गए, समझ में आ गई ना, अगर ये लेंस नहीं होता तो प्रतिबिंब यहाँ बनता, लेकिन इस लेंस के आ जाने से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई पर बनेगा, ये हमारा रियल पर। अच्छा, अगर मैं इनको जोड़ दूँ और मैं सोचूँ, अगर इमेजिन करूँ तो प्रतिबिंब कुछ ऐसे बनेगा, अगर इन दोनों लेंसों को मैं जोड़ दूँ, ऐसे दोनों लेंस को संयुक्त कर दिया और इसकी फोकस दूरी हमने मान लिया एफ ही, तो यहाँ पर वस्तु वहीं पर रहेगा, ये यू दूरी पर, यहाँ ध्यान दो, यू दूरी पर यहाँ से लाइट जाएगी और ये देखो यानी यहीं पर बनेगा ना आई पर, और ये हमारा बी होगा, हाँ तो एक यहाँ से गुजार दो, सीधी चली जाएगी, जो कहता क्या होती है, जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो उसी पर सीधी चली जाती है, ये दोनों रे मिली। तो यहाँ पर अगर लेंस का मैं फोकस समझूँ तो 1/f = क्या आ जाएगा बेटा, 1/b - 1/u। इस लेंस का यही तो सूत्र होगा, इसको इक्वेशन मान लो स्टार। मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, ध्यान देना, एक लेंस हमारा, इस दोनों लेंस को मिला के हमने ये बनाया है, ये तो बनेगा। अब यहाँ पर देखो, ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है, ठीक है, और इनकी फोकस दूरी क्या है, F1 / F2। अब हम करेंगे पहले लेंस के लिए, क्या बात करेंगे बेटा, L1 लेंस के लिए, चित्र से L1 लेंस के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, ध्यान दो, लेंस के लिए बहुत आसान है, L1 लेंस के लिए तो यहां 1/F1 होगा, क्या होगा बेटा, 1/F1। अब देखो L1 लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या यू है तो, और प्रतिबिंब की दूरी बी डैश है, क्या है बेटा, क्योंकि ये लेंस नहीं है, L1 लेंस के लिए ये वाला लेंस नहीं है, तो यहां पर फार्मूला क्या होगा, 1/b -
माइनस वन अपान यू, ये तो होगा एल1 लेंस के लिए। अब L2 लेंस को ले लो, क्या ले लो बेटा, L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, अब ये जो है यहां पर दो लाइट ऐसे जाए, लाइट होती है रिवर्सिबल, हमें लग रहा है ये दोनों लाइट यहां आगे तो मिलेंगी नहीं। अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं तो हमें ये दोनों जो रेज है अगर रिवर्सिबल कर दूं, पलट दूं, ऐसे पलट दूं, लाइट उत्क्रमणीय होती है, प्रकाश क्या होता है, तो हमें ये दोनों रेज यहां से तो आती हुई दिखाई नहीं देंगी, हमें दिखाई दे ये दोनों रेज यहीं पर मिल रही, इस बिंदु पर मिल रही, मतलब उनकी दिशा को हम पलट सकते हैं। जैसे अगर ऐसे आ रही लाइट तो उनकी दिशा को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि लाइट टकरा के सीधी भी लौट सकती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो अब यहां पर इस वाले लेंस के लिए वस्तु कौन होगा, इस लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, तो इस लेंस के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है ये यहां पर किसका कार्य करेगा, आभासी, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। यानी अब ये जो लेंस है, ये जो है प्रतिबिंब, इसके द्वारा जो बनाया गया वो हो गया वस्तु। तो अब इस लेंस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 1/F2 बराबर 1/B, ये तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई, और माइनस 1/B(b'), अरे इसमें क्या होता है लेंस का फार्मूला, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U, U क्या है, और बी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहां पर वस्तु कौन है, b', i' इसके लिए वस्तु है ना, और ये इसके लिए प्रतिबिंब है। तो यहां पर ये हो गया, ये समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण दो मान लो। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक व समीकरण 1 + समीकरण 2 से एक और दो को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 1/F1 + 1/ जोड़ दिया मैंने, और यहां पर क्या कट जाएगा, 1/B(1/B), क्योंकि ये प्लस ये, तो 1/B - 1/U। अच्छा ये बता दो, 1/B - 1/U क्या है, 1/F है ना। तो यहां अगर समीकरण में स्टार और डबल स्टार ले लूं, चलो डबल स्टार बना लो ताकि तुम्हारे ऊपर लग जाए, तो समीकरण स्टार व समीकरण स्टार व डबल स्टार से क्या हो जाएगा बेटा, 1/F(e) बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां से लिख लो डायरेक्ट, 1/F(e) बराबर आ जाएगा 1/F1 + 1/F2। अभी आपने कहा था कि सर यहां पर अवतल ले सकते हैं, समतल उत्तल कुछ भी ले सकते हो, दो लेंस हो कोई भी लेंस हो, लेकिन ध्यान देना है आपको कि यहां पर जो वो रखोगे वैल्यू वो साइन के साथ रखोगे, क्या रखोगे, अगर मैं यहां अवतल, एक उत्तल है और एक अवतल रख लू, क्या रख दू, एक अवतल, तो यहां पर एक का मान तो पॉजिटिव होगा, एक का मान, तो यहां जो आंसर ये आया हमारा फार्मूला ये वाला 1/F(e) बराबर 1/F1 + 1/F2, इसमें आप विद साइन रखोगे वैल्यू, क्या रखोगे, वो कोई भी लेंस हो सबके लिए फार्मूला लगेगा, ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग। यहां ध्यान दो बेटा, अगर कई लेंस हो, सपोज मान लो कि एन लेंस है, अब एन की वैल्यू 10, 15, 20, 50, 50 करोड़ भी हो सकता है, करोड़ में नहीं जाना क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, फोकस दूरी उनकी क्रमशः F1, F2, FN है, बहुत सारी लेंस है, तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी हो क्या हो जाएगी बेटा, 1/F(e) बराबर 1/F1 + 1/F2 + 1/3 + ……. यहाँ एक बात ध्यान देना है कि जो सूत्र में फोकस का मान है, फोकस दूरी का मान, सॉरी सूत्र में फोकस दूरी का जो मान है वो किसके साथ रखोगे बेटा, साइन यानी चिन्ह के, उत्तल लेंस होगा तो प्लस होगा और अवतल लेंस होगा तो माइनस होगा, समझ गए। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, जैसे सपोज, हाँ सपोज, हाँ लिख लो, एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, माना माना एक यदि, ऐसे लिख लो, यदि एक उत्तल लेंस, यदि एक उत्तल लेंस वा अवतल लेंस, मैं मान लेता हूँ, माना एक उत्तल लेंस व अवतल लेंस जिनके, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः 20 तथा 30 सेंटीमीटर है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो,
फोकस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। अब यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, हमसे कह रहा है कि यदि एक और उत्तल लेंस है व अवतल लेंस है जिनकी फोकस दूरी कम से 20 व 30 सेंटीमीटर, तो कह रहा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो हमें उत्तल लेंस का कितना होगा f1 बराबर मान लो 20 सेंटीमीटर और f2 कितना दिया है -30। अवतल लेंस के लिए क्या होता है माइनस होता है। अब यहां पर तो 1/f बराबर क्या होता है बेटा 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा 1/f1 का मान कितना है 20 और माइनस क्या हो जाएगा 1/30। 30 और 20 का एलसीएम क्या होगा 60, 20 तिहाई 60 और तो यहां से आ जाएगा 1/f बराबर आ जाएगा 1/60। तो यहां से f कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अगर पॉजिटिव आ रही है, सुन लो मेरी बात, यहां पर एक बहुत बड़ी बात है, अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब जो संयुक्त लेंस है वो किस तरह का है कन्वर्जिंग, क्या है अगर जैसे ये देखो यही वाला लेंस है, ये देखो है ना, यही तो बनाया गया, देखो एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस जोड़ा गया, यहां से ऐसे लाइट गई होगी और यहां पर लाइट पड़ने के बाद यहां पर कहीं पड़ी होगी, तो ये आई हो गया और ये क्या हो गया बिंदु वो हो गया, ये दूरी यू है और ये दूरी क्या है बी है। अच्छा अब यहां एक बात जान दो, अगर यहां पर एफ ई का मान पॉजिटिव आ रहा है, पूछता है संयुक्त लेंस की प्रकृति बताओ कैसी है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, उत्तल अवतल दोनों है, लेकिन ध्यान देना कि अगर एफ ई की वैल्यू प्लस आ रही तो हम कह देंगे कन्वर्जिंग यानी अभिसारी लेंस है, क्या है, और अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निगेटिव आएगी तो कह देंगे अपसारी है। ठीक है इतना नोट कर लो। चलो देखो माना ये फोकस दूरी का हमने एक उत्तल लेंस ले लिया, अब हम लोग जा रहे लेंस का रेखीय आवर्धन के सूत्र का निवन कर दें, और यहां पर मैंने रेखीय आवर्धन की परिभाषा नहीं बताई तो अभी बाद में लिखवा देंगे। ठीक है माना यह फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है जिसकी मुख्य अक्ष पर लेंस से यू दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है बेटा, वस्तु की जो ऊंचाई है h1 है और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो क्या है h2। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविकता, वास्तविकता कैसा बना है उल्टा। अच्छा ये दूरी कैसा होगा, हमेशा वास्तव बी दूरी हो जाएगा। अच्छा यहां पर देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान दो अगर मैं नामकरण कर दूं, नामकरण तो वैसे है ही, चित्र से देखो, चित्र से आपको दो त्रिभुज दिखाई देंगे, चित्र से त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी इसमें देखो ये कोण 90 है और यहां पर देखो ये कोण 90, ये दोनों कोण बराबर है क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है तो ये आपस में बराबर होंगे, ध्यान दो तो ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर दो कोण त्रिभुज के आपस में बराबर है तो तीसरा कोण क्या होगा बराबर। और सुनो अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के सभी कोण आपस में बराबर है तो कैसे कैसे त्रिभुज होते हैं क्या होते हैं सर्गामसम, क्या होता है सर्गामसम, क्या होते हैं सर्वांगसम होता है, क्या होता है सर्वांगसम, ठीक है क्या होते हैं बेटा सर्वांगसम होते हैं अगर इनके सभी कोण आपस में बराबर हो। तो यहां पर देखो त्रिभुज एबीसी तथा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, क्या है बेटा के सभी कोण, के सभी कोण आपस में क्या है सभी कोण आपस में बराबर हैं, क्या बेटा बराबर हैं, अगर ये आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, तो याद करो त्रिभुज ए बी सी नाइन्थ में आ जाओ, चलो नाइन्थ में क्या होते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, और यहां पर एक रूल आता है अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका अनुपात बटा इन दोनों का अनुपात, इन दोनों के अनुपात के हाँ भुजाओं का अनुपात क्या होता है समान होता है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं इसलिए ए डैश बी डैश हमने क्या लिया ए डैश बटा ए बी बराबर किसके हो जाएगा, देखो इस त्रिभुज की ये भुजा लिया और इस त्रिभुज का ये दोनों अनुपात बराबर इस त्रिभुज का यानी क्या हो गया सी ए डैश क्या हो जाएगा बेटा बटा सी बी, क्योंकि दूरी यहीं से तुम मापोगे। अब चलो सबकी वैल्यू उठा के रख दो और जब वैल्यू उठाओ तो ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है
ये नीचे है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तो माइनस होगा। अगर उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? माइनस। तो एच टू क्या हो जाएगा? माइनस एच टू हो जाएगा। एच वन क्या होगा? प्लस होगा। एच वन क्या होगा? प्लस होगा। और ध्यान दो, सी ए डैश क्या है? सी ए डैश ये प्लस होगा क्योंकि प्रकाश इधर जा रहा है। और सी बी डैश क्या होगा? माइनस होगा। तो इस माइनस ने इस माइनस को मार दिया, एकदम देख लो मार दिया। तो एच टू अपान एच वन बराबर क्या आ गया बेटा? बी अपान यू। और एच टू अपान एच वन है क्या? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होती है? किसी लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का अनुपात और उस लेंस के वस्त्र के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और उसे यम से लिखते हैं। तो यम बराबर यहाँ एक फार्मूला आ जाएगा एच टू अपान एच वन, और बराबर क्या हो जाएगा? बी बटा यू। ये क्या है? लेंस का रेखीय आवर्धन। अगर लेंस के रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखनी है तो यहां पर लिख सकते हो लेंस का, लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई को क्या मान लेंगे बेटा हम? यहाँ पर मान लो एच टू, तथा वस्तु की लंबाई हमने क्या मान लिया? वस्तु की लंबाई है एच वन, के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस का रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या हो जाएगा? यहां से हम लिख सकते हैं अतः यम बराबर आ जाएगा एच टू अपान एच वन, और ये किसके बराबर हो जाएगा? बी बटा यू। अब यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, ये समस्या नहीं आती है कि लेंस दर्पण में तो रेखीय आवर्धन निगेटिव होता है लेकिन यहां पर तो पॉजिटिव आ रहा है सर, तो लेंस का रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो यहां पर दो केसेस होते हैं, क्या होते हैं बेटा? अगर हम बात करेंगे उत्तल लेंस की, क्या बात करेंगे? यहां देखो समझो, इस बात को समझ लो नहीं तो सवाल में मिस्टेक होता है बच्चों से। एक मैं उत्तल लेंस ले लेता हूं, एक मैं अवतल लेंस ले लेता हूं। एक उत्तल लेंस है और एक दूसरा क्या बेटा? अवतल लेंस। उत्तल लेंस में दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे? उत्तल लेंस आभासी भी बनाता है और वास्तविक। तो उत्तल लेंस एक प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है और दूसरा क्या बनाता है बेटा? आभासी। समझ गए ना? अब देखो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। तो अगर यम का मान पॉजिटिव आ रहा है तो यह समझ लो कि वो आभासी प्रतिबिंब है। क्या है बेटा? यम का मान धनात्मक तो प्रतिबिंब आभासी, यम का मान ऋणात्मक तो प्रतिबिंब वास्तविक। तो उत्तल लेंस तो हमेशा आभासी बनाता है। उत्तल लेंस कैसा बनाता है? हमेशा। तो इसके लिए यम क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा पॉजिटिव। यहां पर यम हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन इसके लिए यम का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो उत्तल लेंस के लिए यम के दो मान होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। तो अगर आभासी बनाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि यम बराबर प्लस वन से आप क्या समझते हो, जैसे आगा नोट ये पूछता है कि यम बराबर प्लस वन से आप क्या समझते हो बताओ? समझते हो? अगर ऐसे आपसे पूछो समझते हो? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वस्त्र का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है, लेकिन वस्त्र कैसा है? आभासी व सीधा। प्रतिबिंब कैसा है? आभासी व अगर यम का मान प्लस वन आ रहा है तो हम कह देंगे कि प्रतिबिंब का आकार वस्त्र के आकार के बराबर है। अगर यम का मान दो आ गया तो क्या कहोगे? प्रतिबिंब दो गुना है। यम का मान अगर तीन आ रहा है तो प्रतिबिंब तीन गुना है। यम का मान अगर चार आ रहा है तो प्रतिबिंब, तो यम का मान जितना आएगा प्रतिबिंब उतना ही गुना होगा। अगर यम का मान प्लस वन आएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा और वस्त्र के बराबर और आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यानी प्रतिबिंब यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या बनेगा बेटा? आभासी, सीधा वा वस्तु के बराबर होगा। अगर यम का मान वन आ रहा है तो वह वस्तु के बराबर होगा। ठीक है,
प्रतिबिंब आवासी सीधा वस्त के बराबर होगा। तो अगर आ गया यम बराबर प्लस वन से आप क्या समझते हैं तो आप बता सकते हैं इस बात को। ठीक है, चलो नोट कर लो इतना।